हेलो गाइज वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ एनसीआर पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन दो ले, दो चीजों से रिलेटेड है भारत में राष्ट्रवाद और आर्थिक महामंदी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे याद रखना स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे चित्रंजन दास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में एस एस यूपीएससी रेलवे सब में आया हुआ है क्वेश्चन है रोलट एक्ट कब पारित हुआ था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था रोलट एक्ट रोलट एक्ट को काला कानून कहा गया है क्या कहा गया, गया है काला कानून रोलट एक्ट को क्या कहा गया है काला कानून और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1920 सौ बीस ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में ताशकंद में कहां पर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 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 स्थापना थी थी किसने एम एन राय ने किसने की थी एम एन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम एन राय ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी इसको मैं बार बार जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं इस क्वेश्चन पे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी वो एनसीआर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डाटा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था यह भी क्वेश्चन देखा होगा आपने दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटो तो वेद कितने हैं अभी कितने वेद हैं चार वेद हैं कितने वेद हैं चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद और सामवेद तो वेदों की ओर लोटो का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे महान व्यक्ति वो थे दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी किसकी स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने और इनका मूल नाम क्या था ये भी याद रख सकते हो इनका मूल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर मूल नाम देखो गजब हो गया ना मूल शंकर याद रखना है मूल शंकर बोलते थे इसको इनको सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1914 में कब हुआ था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये जितने क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी कब हुई थी भी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना बंबई में उन्नीस में बंबई पहले बोला जाता था आज इसको मुंबई बोला जाता है क्या बोला जाता है मुंबई मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और भारत का बॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को क्या कहा जाता है भारत का बॉलीवुड ताज होटल भी यहीं पे ही है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और किसने की थी लाला हरदयाल ने किसने की थी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी 1913 में इंडिया में जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई स्वदेशी आंदोलन की बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में किसने किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है भी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और इसके उस समय कौन सा आंदोलन चला था भारत में स्वदेशी आंदोलन कौन सा आंदोलन चला था याद रखना स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी थे इनके अंदर काम करने वाले किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था वैसे तो आपको पता है पंद्रह अगस्त उन्नीस को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है हमारा देश तो ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कब कर दिया गया था पहली बार इसका राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा एक मार्च 1932 को इन्होंने सोच लिया था कि भारत आजाद हो गया सब स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने एक मार्च 1932 को अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में किसके बंगाल विभाजन किया था तब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था देखो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन एक दूसरे से रिलेटेड है और 1905 जरूर याद रखना ये 1905 में हुआ था विभाजन बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन थे लॉर्ड कर्जन अपने आप को भगवान मानते थे इसलिए लॉर्ड लगाते थे लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन जो भी है 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था महेंद्र प्रताप को किसको बनाया गया था 1915 में काबुल काबुल किसकी राजधानी है अफगानिस्तान की किसकी राजधानी है, है नहीं? अब तो गुलाम हो गया वो. काबुल अफगानिस्तान की राजधानी थी 1915 में तब तो भारतीय स्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था महेंद्र प्रताप को जवा स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे ये। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके पिता थे उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी शेर ए पंजाब किसका उपनाम है शेर ए पंजाब पंजाब के जो शेर थे वो कौन थे लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब इनका उपनाम है याद रखना और ये जितने क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पर बताए जा रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी है कर दो जलियांवाड़ा बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी सरकार ने किस समिति का गठन किया अंटर समिति का गठन किया कौन सी समिति का गठन किया अंटर समिति बनाई थी जलियावाड़ा बाग हत्याकांड हुआ था तब सरकार ने एक समिति बनाई थी उस समिति का नाम था अंटर समिति नेक्स्ट क्वेश्चन खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई 1924 में हो गई थी खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में 1924 में हो गई थी खलीफा पद खत्म कर दिया था 1924 के अंदर तुर्की के अंदर, भारत के अंदर नहीं तुर्की देश है गदर पार्टी के याद रखना भी ये। कामन तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था किसने किया था एनी बेसेंट हिंद स्वराज ये थोड़ा सा हिंद स्वराज आ गया हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी किसके द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी इंद स्वराज पुस्तक लिखी थी इन्होंने ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन साइमन कमीशन 1928 में क्या आया था भारत आया था साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी या आर्थिक मंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई उन्नीस में मंदी आ गई थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब वर्ल्ड वार छिड़ गया था पहला वर्ल्ड वाल तो मैंने बता दिया था अब नेक्स्ट और देख लो भाई कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है वो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है दो महाद्वीप है एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप था वो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है मानव का घर है वो किसको कहा जाता है एशिया महाद्वीप को और सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का एशिया महाद्वीप विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा देखो भी विश्व आर्थिक मंदी आई उस टाइम भारत पर क्या प्रभाव पड़ा आयात निर्यात घट गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो गया बिल्कुल आर्थिक मंदी आ गई थी भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ा इसका किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को किसको एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा अमेरिका को किसको पड़ा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर किस देश को पड़ा था अमेरिका देश को पड़ा था पूरी तरह से वो आ गया था गरीब बन गया था ये देश अमेरिका तो ये थे अर्थशास्त्र जो अभी मैंने ये बताए थे क्वेश्चन सारे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे सॉरी ये क्रैक्ट गुरु प्रेस